STD, sexually transmitted disease. It is that type of disease which are the transmit or pass from one person to another person during intercourses is called the venereal disease or reproductive tract infection disease. Example, AIDS, genital tract, syphilis, gonorrhea. HIV AIDS transmitted by first sharing of the contaminated injections, needle, surgical instruments. Second, transfusions of blood. Third, forms infected mother to fetus. Prevents, avoid sex with the unknown multiple persons. Always use the condoms during coitus. Use of sterilized needles and syringe. About awareness STD. Infertility. It is the biological inability of a person to conceive in spite of regular unprotected coitus. The infertility are two types, primary infertility and secondary infertility. जनन अक्षमता यानी इनफर्टिलिटी, इसमें किसी भी पुरुष या स्त्री में शिशु उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है. इसे हम लोग बांझापन यानी स्टेरिलिटी कहते हैं. जनन क्षमता यानी इनफर्टिलिटी स्त्री एवं पुरुषों दोनों में पाए जाने वाले दोषों के कारण होता है. सम कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, लो सीमन क्वालिटीज, ओलिगोस्पर्मिया यानी लो स्पर्म काउंट एंड सेक्सुअल डिसफंक्शंस. पुरुषों में जनन अक्षमता निम्नलिखित कारणों की वजह से होती है. पहला, स्पर्म की अनुपस्थिति यानी एजोस्पर्मिया, स्पर्म की संख्या में कमी यानी ओलिगोस्पर्मिया एंड शुक्राणु की कम गतिशीलता, शुक्रवाहकों और शुक्रवाहिकाओं की मेरुकावट. इनफर्टिलिटी इन फीमेल, डैमेज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एज रिलेटेड फैक्टर, यूटेराइन प्रॉब्लम, साइक्लिक प्रॉब्लम्स. स्त्रियों में जनन अक्षमता, एक जनन असक्षम वह मादा है जो प्रत्येक चक्र पर नियमित अंडोत्सर्जन करती है जिसमें अंडा प्रजनन मार्ग से गुजरता है जो शुक्राणुओं के सरल मार्ग के लिए दशाएं विकसित करती है. वह निषेचित अंडे को गर्भरोपण हो जाता है. स्त्रियों में जनन अक्षमता निम्नलिखित कारणों की वजह से होती है. पहला, एज फैक्टर्स, गर्भाशय का जन्मजात खराब होना, अंड का मुक्त ना होना, फेलोपियन नली अंड को प्राप्त करने में असमर्थ होना, एंडोमेट्रियम का कमजोर होना, भ्रूण का एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ना होना एवं हार्मोन्स की अपूर्णता के कारण जो है स्त्रियों में इनफर्टिलिटी आ सकती है. ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन तकनीक, IVF यानी प्रयोगशाला के अंदर निषेचित व भ्रूण का स्थानांतरण, ZIFT गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IVF इन वाइटू फर्टिलाइजेशंस, मिशा माइक्रोसर्जिकल एपिडिडिमल्स, स्पर्म एस्पिरेशंस, टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु. IVF प्रयोगशाला के अंदर होने वाली निषेचन की एक तकनीक है जो मां के शरीर के बाहर कांच के पात्र में किया जाता है एवं इसे बहुत ही नवजात भ्रूण का मां के गर्भाशय में रोपण करते हैं. द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज लुइस जॉय ब्राउन वाज बॉर्न ऑन 25 जुलाई 1978 इन ऑडम. द इंडियन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज कुमारी हर्षा एंड सी वाज द बॉर्न 6 अगस्त 1986 एट कैम हॉस्पिटल इन मुंबई. ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म्स इंजेक्शन. IVF द इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स. इन दिस मेथड ऑफ द टेक्निक द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन आउटसाइड द फीमेल बॉडी followed by the embryo transfers in which the embryo is placed inside the uterus. The Indian first test tube baby was Kumari Harsha, born on 6th August 1986 at Cam Hospital, Mumbai. द
the world's first test tube baby, Louis Joy Brown, in 25 July 1978 in Oldham. ZIFT and IUT, zygote intra-fallopian transfer and intrauterine transfer, ZIFT. Gamete intra-fallopian transfers, ICSI, intracytoplasmic fallopian transfer and AI, artificial insemination technique.